फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने दाल बॉईल किया है, उसके साथ साथ ये ब्राउन चना भी ऐड किया है उसमें। तो ये आप अलग तरह के कोई भी दाल में आप ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर कोई स्प्राउटेड पल्सेस हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे ब्राउन चना हो, ग्रीन मूंग हो या जो भी हो, तो आप दाल बॉईल करने के समय आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं आप अब ड्रम स्टिक्स डालने वाली हूँ ये दाल में, जबकि मैंने 3 विसल्स ऑलरेडी ले चुकी हूँ इसमें दाल कुक करने में। तो अभी मैं ड्रम स्टिक्स इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें ड्रम स्टिक्स ऐड कर रही हूँ, आई जस्ट ऐड इट। ओके, फिर आप इसे जस्ट एक मिक्स, गुड मिक्स लो। अगर आप इसमें थोड़ा और पानी डालना चाहते हो तो फिर जस्ट वेरी लिटिल। फिर इसे आप हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए, फिर आप इसमें हाई फ्लेम पे 1 विसिल दो, उसके बाद में ये ड्रम स्टिक ये थरली कुक हो जाएगा, ओवर कुक नहीं। तो कुकर का लिड हम कवर करते हैं। ओके, हाई फ्लेम पे इसे रख के 1 विसिल देंगे। विसिल आते ही इसमें हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ओके, अगर कोई हरी दाल बनाना चाहते हैं, हरी मसाला, ग्रीन मसाला वाला, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ग्रीन मसाला रेडी किया है। मैं ग्रीन दाल बनाने वाली हूँ विद ड्रम स्टिक्स, और आपने देखा ही होगा कि मैंने उसमें कोई ब्राउन चना वाला, स्प्राउटेड चना और ग्रीन मूंग डाला है थोड़ा। तो आप कुछ भी, कोई भी स्प्राउट वाला पल्सेस डाल सकते हो, जो भी आपकी टेस्ट वाइज फेवरेट जो भी हो। तो ये मैंने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नारियल, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन और थोड़ा सा अदरक और एक टमाटो। इसके बाद में हमें इसे ग्राइंड करना है अच्छी तरह से और ऐसा पेस्ट फॉर्म करना है। अभी जैसे 1 विसिल आता है कुकर में, उसके बाद में हम ये ग्रीन मसाले को तड़का देंगे विद लिटिल बिट ऑफ ऑयल, और फिर उसे हम मिक्स कर लेंगे दाल को इसके साथ में। बहुत टेस्टी बनेगा ये दाल, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने कुकर ओपन करने के बाद ड्रम स्टिक्स हमारे परफेक्टली कुक हुए, ये मैश नहीं हुए, इट्स परफेक्टली डन। तो अब हम तड़का लगाएंगे इस दाल के लिए। अब हमने पैन रख दिया है गैस पे, हमने अब पैन रख दिया है, उसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसमें हम अब थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा ऑयल ऐड किया हमने इसमें। अब आपको कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ जो ग्रीन मसाला रेडी किया है उसे आपको हल्का सा कुक करना है, यानी फ्राई करना है। ये जो हरा मसाला है उसे हमें ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि उसका रॉ स्मेल निकल जाए। दूसरी बात है कि जब आप मसाला, ग्रीन मसाला हो या चाहे कोई भी मसाला हो, आप ऑयल में फ्राई कर रहे हो, तो ऐड करो, वो मसाला ऐड करने से पहले ऑयल में फ्लेम आपको ऑलवेज लो फ्लेम पे रखना है। हाई फ्लेम पे अगर आप रखते हो और मसाला ऐड करते हो तो क्या होता है, पूरा मसाला आपके स्प्लैश हो जाएगा। आपको इसमें अभी मसाला डालना है, अभी गैस लो फ्लेम पे था इसकी वजह से ज़्यादा छिड़का नहीं है ग्रीन मसाला। देखो, आप देख सकते हो ना कैसे स्टेबल बैठा है। अभी आप इसे स्लो फ्लेम पे ही थोड़ा 5-1 मिनट कुक कीजिए ताकि इसका रॉ स्मेल निकल जाए। यह हरा मसाला दाल बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही सिंपल भी है, आसानी से बन जाता है। अब हम इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे 1-2-3 मिनट के लिए। आप देख रहे हो ये हरा मसाला मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पक रहा है। इसे हमें फ्राई करना है जब तक ये रॉ स्मेल, हमें इसे रॉ स्मेल अच्छी तरह से निकालना है। मसाला अब अच्छी तरह से भुन गया है, साइड्स में ऑयल भी रिलीज हुआ है इन मसाले का। तो इस समय हम दाल ऐड करेंगे ग्रीन मसाले में।
इसमें आप पानी आपके हिसाब से डाल सकते हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आप पानी जितना भी डालोगे वो हिसाब से आपको नमक भी परफेक्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से डालना होगा। अभी इसे हम अच्छा मिक्स कर लेते हैं। और फाइनली हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा गरम मसाला एक उबाल आने के बाद, एक बॉयल आने के बाद। इस दाल में हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड कर लिया मैंने इसमें थोड़ा, इसे मिक्स कीजिए। इसे आप मीडियम फ्लेम पे जब तक बॉईल नहीं आता तब तक आप इसे कुक करने रखिए। और एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं, अगर डाइजेशन के लिए आप चाहते हो तो फिर उसमें इजी डाइजेशन हो तो दाल पकने के पहले आप एक क्लोव डाल सकते हो, उसमें एक क्लोव ऐड कीजिए और लेट इट बॉईल। आप देख सकते हो इसे अच्छा सा बॉईल आ चुका है दाल में, इसे अच्छा सा रोलिंग बॉईल आने दो। इस समय हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, किसी किसी को गरम मसाला अच्छा लगता है दाल में। तो हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला इस वक्त ऐड करते हैं। और इसे हल्का सा स्टोर कर देते हैं। इसे हमने मिक्स किया है। अब इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट की कुक होने देते हैं। इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आप देख सकते हो बॉईल दाल अच्छी तरह से बॉईल हुआ है, इतना सारा बबल्स फॉर्म हुआ है इस पर। तो इस वक्त हम अभी गैस ऑफ कर देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे दाल में। और गैस ऑफ करके इसे हम ढक के रखेंगे। दाल हमारा रेडी है, ग्रीन मसाला दाल विथ ड्रम स्टिक, ब्राउन स्प्राउटेड चना एंड ग्रीन मूंग। आज हमारे खाने में होगा ग्रीन मसाला, ड्रम स्टिक, स्प्राउटेड ब्राउन चना एंड ग्रीन मूंग का दाल। देख सकते हो आप ये बहुत ही टेस्टी हो गया है। और ये है राइस ग्रीन मसाला दाल के साथ, उसके साथ में होगा कॉलीफ्लावर का सब्ज़ी। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है विथ सिंपल इन्ग्रीडियंट्स, लेस नो मसालास एक्सेप्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला to enhance the taste. So this is a cauliflower vegetable, this is a rice, and this is a cauliflower vegetable with no masalas, only bit of garam masala, that's it, just to enhance the taste. Here we have rice and here we have a green masala dal. So ab kisi ko bhi khana khane aana ho to hamare ghar mein aa sakti ho anytime. Three.